हल्द्वानी में विद्युत कटौती का मसला जोर पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को भी शहर के लोगों ने कालाडूंगी चौराहे स्थित सहायक अभियंता के दफ्तर में प्रदर्शन किया और शहर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को रोकने की मांग की। विधायक प्रतिनिधि के नेतृत्व में आए लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले एक महीने से शहर में अघोषित रूप से विद्युत कटौती की जा रही है। कड़ाके की ठंड में बिजली न होने की वजह से कई अन्य तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विधायक प्रतिनिधि ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो वह आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी फॉल्ट के चलते दिक्कतें आई थी जिसे अब दूर कर लिया गया है। दुख का विषय है, बहुत अफसोस की बात है कि हल्द्वानी शहर जो कुमाऊं मंडल का मुख्य द्वार है, हमारी अब तक की राजनीतिक पॉलिटिकल में इतनी लाइट की कटौती हल्द्वानी शहर में कभी नहीं हुई जितनी ये विगत एक महीने से लगातार हो रही है। सम्मानित अधिकारियों को फ़ोन करो, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं। मैं आज विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आज जनता की आवाज़ को उठाने के लिए मैं इन लोगों के बीच आया हूँ। कई बार फ़ोन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, फ़ोन नहीं उठाए जाते हैं, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है और आज बिजली की कटौती इस कदर की हो रही है कि लोगों के घरों में पानी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा हो रही है। लोग पानी के लिए दूर दराज से अपने घरों में पानी लेकर आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इसी चीज़ को लेकर आज हमने यहाँ पर SDO महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और अगर लाइट व्यवस्था सुचारू नहीं की गई, अगर मुझे ये भी विगत दो दिनों से जो पूर्व टेक्निकल फॉल्ट आया था, एक पिटकुल में ट्रांसफॉर्मर में टेक्निकल फॉल्ट आया था, एक हमारी लाइन आती है उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया था, उसकी वजह से हमें जो है सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन हम लोग जो है पूरे प्रयास करके सप्लाई नॉर्मल कर दी है। कल से लगभग सप्लाई सब जगह नॉर्मल चल रही है और सबका उठाया जाता है। कई बार दिक्कत होती है, हम लोग काम कर रहे हैं बिजी होते हैं, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। फ़ोन भाई काम में है, बिजी फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, लगभग हर